हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट। आज हम सीखने वाले हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन के बारे में, कैसे पता चलता है, जैसे हमारा सिस्टम कौन सा है, इसमें कौन सा प्रोसेसर रन कर रहा है, कौन सा मॉडल नंबर है, कौन से ड्राइवर उसमें अभी चल रहे हैं। उसके लिए क्या करना है, विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे, MS Info 32 ये टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे हमें पता चलेगा हमारा मॉडल नंबर ये है, जैसे मेरे वाले का HP इलाइट बुक है और प्रोसेसर ये वाला हमारा प्रोसेसर है। और हमें ये देखना भाई इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं या फिर रनिंग टास्क कौन से हैं, सिस्टम ड्राइवर कौन से हैं, हम यहाँ से हर एक चीज़ का पता चल कर सकते हैं। देखो अभी हमारे सिस्टम ड्राइवर रिफ्रेश हो रहे हैं, यहाँ पे सिस्टम ड्राइवर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी भाई, कौन कौन से ड्राइवर अभी इसके अंदर चल रहे हैं। ऐसे ही ये आगे देखो, ऐसे ही रनिंग टास्क पे क्लिक करेंगे तो जो भी अभी इसके अंदर रन कर रहा है, कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन चल जाएगी हमें पता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम सीखने वाले हैं हमारे जो लोअर केज लेटर हैं उनको अपर केज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो हम इससे जाके चेंज करना पड़ता था, अपर केज पे जाके तो ही ये सिलेक्ट होते थे। तो इसको छोड़ के की हेल्प से कैसे करेंगे, शिफ्ट के साथ में हम F3 प्रेस करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे सभी को और फिर शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस कर देंगे। F3 प्रेस करने के बाद ये अपर केज में चले जाएंगे। अगर हम अगेन फिर से शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करेंगे तो ये दोबारा फिर से लोअर केज में आ जाएंगे। ये देखो हो गया ना चेंज। थैंक यू। अभी हम सीखने वाले हैं MS वर्ड के अंदर 9th, 12th, 10th कैसे लिखते हैं। उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, जैसे 9th लिखना है, हमें 9th लिखेंगे, उसके बाद स्पेस को एंटर कर देंगे। देखो लिखा गया ना। उसके बाद जैसे 10th लिखना है, 10 लिखेंगे, उसके बाद TH लिखेंगे और स्पेस एंटर कर देंगे। ऐसे ही 11th लिखा जाएगा, 11 लिखेंगे, TH लिखेंगे और स्पेस दबा देंगे। 11th लिखा गया।
हेलो फ्रेंड्स, अभी हम सीखने वाले हैं हमारे डेस्कटॉप के ऊपर यूट्यूब शॉर्टकट कैसे लेके आए। सबसे पहले क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद थ्री डॉट के ऊपर जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद क्या करना है, मोर टूल्स पे जाना है। मोर टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट आएगा। ये देखो आ गया यूट्यूब का शॉर्टकट, और इसको क्रिएट कर देंगे। ये भी हमारे डेस्कटॉप के ऊपर शो हो जाएगा। देखो ये शो हो गया यहाँ पे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट। आज हम सीखने वाले हैं हमारे लैपटॉप के यूजर नेम को कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल देखो ये आ गया, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या करना है, हमें यूजर अकाउंट में जाना है। यूजर अकाउंट देखो यहाँ पे ये रहा। इसमें जाने के बाद क्या करना है, दोबारा फिर से हम यूजर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। देखो हमने यहाँ पे जैसे मैंने नेम डाला हुआ है हमारे चैनल का लैंग्वेज फैक्ट, तो हमें इसको चेंज करना है। इसको कैसे चेंज करेंगे, चेंज योर अकाउंट नेम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम जो भी नाम डालेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज हो जाएगा, और चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे और वो चेंज हो जाएगा। थैंक यू। बता सका ओ ये बैंक के काम दे देवे तो हमें करना पड़ेगा। और उन्ने के सार हमारी रोटी रोटी चल रही है नहीं। अब यहाँ टूल्स टैब पे क्लिक कर दें। अब आपको चेक नाउ पे क्लिक कर देना है और यहाँ इन दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और स्टार्ट पे क्लिक कर दें और आखिर में यहाँ शेड्यूल डिस्क चेक पे क्लिक कर देना है और अब अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कर दें। रीस्टार्ट होते ही ये पूरी सिस्टम डिस्क को डिटेल में स्कैन करेगा और जो भी सिस्टम एरर्स होंगी या बैड सेक्टर्स या करप्टेड फाइल्स होंगी उन सबको ये रिपेयर करके फिक्स कर देगा और आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बिल्कुल नए कंप्यूटर जैसी हो जाएगी। अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है तो आज एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप अपने कंप्यूटर की सारी प्रॉब्लम
सिर्फ एक मिनट में फिक्स कर सकते हो। सिस्टम फाइल्स करप्ट हो गई है, कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो गई है, सॉफ्टवेयर या एप्स क्रैश हो जा रही है, प्रोग्राम्स स्लो चल रहे हैं, कंप्यूटर कई बार खुद ही रीस्टार्ट हो जाता है या फिर पीसी हैंग होता रहता है। सारी प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाएंगी। यहाँ कंप्यूटर के आइकॉन पे क्लिक करें, फिर लोकल डिस्क सी जो कि हमारी सिस्टम डिस्क है इस पे राइट क्लिक करें और फिर यहाँ पर हमें टाइप करना है R E S F O N S और टाइप में करना है। उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिए और ये देखिए आपका रिसोर्स मॉनिटर यहाँ पर ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या टास्क आपके सिस्टम पे जो है वो रन कर रहा है। ठीक, तो फ्रेंड्स रिसोर्स मॉनिटर ओपन करने के लिए हमें विंडो की
हाँ यार रुक जा। Thank you.